क्वेश्चन नंबर 14, 560.7 डिवाइडेड बाय 62.3। तो इसको यहां फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, 560.7 अपॉन 62.3। यहां डिवाइजर एक डेसिमल है जिसे हमें कन्वर्ट करना है होल नंबर में। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस कितना, यहां पर एक डेसिमल प्लेस है, इसलिए यहां पर 10 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में करेंगे, जिससे कि डिवाइजर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है वन प्लेस। तो डेसिमल पॉइंट जो 7 के पहले लगा है वो एक प्लेस राइट में शिफ्ट होगा, यानी कि 7 के बाद चला जाएगा, और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 5607 मिल जाएगा। और ऐसे ही नीचे 62.3 भी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 3 के बाद चला जाएगा। तो 62.623.0 लिखें ना लिखें, क्योंकि इसके आगे तो कोई डिजिट है नहीं। तो 5607 डिवाइड बाय 623 बना। अब इसका डिवीजन जो भी आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 623 से ये 3 डिजिट का है, तो यहां भी 3 डिजिट ले लेते हैं, 560। तो 623 इज ग्रेटर देन 560, तो यहां क्या करेंगे, 4 डिजिट लेके चलेंगे। अब 623 में मल्टीप्लाई करेंगे 6789 का, तो हम देखते हैं कि 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज 5607 आ जाता है, और इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 0 मिलेगा, यानी कि 5607 अपॉन 623 इक्वल टू होगा 9। ये हमारा क्वेश्चन 2 यानी कि इसका आंसर हुआ। तो लिखेंगे देयर फोर, एक्चुअली में ये आंसर किसका है, 560.7 डिवाइडेड बाय 62.3 इक्वल टू हमें क्या मिला है, 9। ये इसका आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 37.053 डिवाइडेड बाय 5.37। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 37.053 अपॉन 5.37। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को हमको जो डिवाइजर है ये डेसिमल में दिया है डिवाइजर, इसे हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां देख पा रहे हैं यहां पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि इसमें हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट देखते हैं, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में ही 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 1, 2 यानी कि 5 के बाद यहां पे डेसिमल पॉइंट पहुंच जाएगा, 3705.3 अपॉन ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइजर, तो ये बनेगा 3705.3 अपॉन 537। अब इसको डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आइए इसको अलग से डिवीजन करके देखेंगे। जब यहां डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं डिवाइजर 1, 2, 3 डिजिट का है, तो यहां भी 3 डिजिट लेते हैं, 1, 2, 3, तो 370 बनता है, और 370 537 से स्मॉलर है, तो यहां फिर 4 डिजिट ले लेते हैं। जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो होल नंबर में आप कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, होल पार्ट में जो भी डिजिट्स हैं नंबर है तो आप कितने भी डिजिट स्टार्टिंग में ले सकते हैं। अब यहां पर 537 से अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं 6 का, तो आता है 3222, और अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा तो हम ला ही नहीं सकते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद 483 आया,
अब ऊपर से यानी कि डिविडेंड से एक डिजिट नीचे आएगी, लेकिन वो डिजिट तो डेसिमल प्लेस के बाद है, डेसिमल पॉइंट के बाद है, यानी डेसिमल प्लेस में। तो डेसिमल पॉइंट लगाए तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे यहां पर और ये 3 लेके आएंगे। ये बना 4833। 537 से अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 जा तो सेम वैल्यू हमको मिल जाती है। तो 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आपको ट्रायल करना है 6 7 8 ऐसे 1 में, और फिर 9 तक पहुंचेंगे। तो आप देखते हैं कि 537 9 जा 4833 आ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पे 0 मिल जाएगा, यानी कि हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है। तो आंसर क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 6.9। बट एक्चुअली में ये वैल्यू किसकी है, 37.053 डिवाइडेड बाई 5.37 की। तो यहां पे आप लिखेंगे देयर फोर 37.053 डिवाइडेड बाई 5.37 इक्वल टू 6.9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 0.0108 डिवाइडेड बाय 0.0009, इसे हम लिख सकते हैं 0.0108 अपॉन 0.0009। अब हम देख रहे हैं डिवाइजर में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 10,000 का, जिससे कि डिनोमिनेटर एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए डिविडेंड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। तो चलिए लिख लेते हैं 0.0108 अपॉन 0.0009 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यानी 8 के बाद आ जाएगा। 8 के बाद तो कुछ है नहीं, यानी कि 0108, यानी हमें 108 मिल जाएगा। आगे 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, और यहां पर हमें मिल जाएगा 9, 108 अपॉन 9। अब 108 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमें तो मालूम है 9 1 जा 9, यहां 1 आया और ऊपर से 8 आता है सब्ट्रैक्शन के बाद, 9 2 जा 18, ये 0 हो गया, यानी 108 अपॉन 9 की वैल्यू है 12, जो कि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू है 0.0108 डिवाइडेड बाय 0.0009 इक्वल टू 12। इस तरह से 16 भी कंप्लीट होता है। देखते हैं 17। 0.072 डिवाइडेड बाय 0.08, इसे हम लिख सकते हैं 0.072 अपॉन 0.08। डिवाइजर 0.08 में क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं, जिससे डिनोमिनेटर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 0 7, 1 प्लेस 2 प्लेस, मतलब 7 के बाद आ जाएगा। तो 0 0 7.2 हो जाएगा। तो 0 0 लिखने का मतलब तो है नहीं इसके आगे, हम यहां पे लिख सकते हैं 7.2, आगे 2 0 लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ये 8 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डिवीजन करके हम देख लेंगे। यहां पर 7.2 और 8 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे होल पार्ट में क्या है, सिर्फ 7 है, तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 का किससे करते हैं, 0 से, 8 0 जा 0, 7 आ गया। अब सब्ट्रैक्शन के बाद डिविडेंड से एक डिजिट नीचे आएगी, तो वो डिजिट तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं
और जो डिजिट है उसको नीचे लेके आते हैं जो कि 2 है। 8 9 72 72 में 72 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो हमें मिल गया यहां पे क्या वैल्यू आएगी, 7.2 अपॉन 8 इक्वल टू 0.9, जो कि वाकई में किसकी वैल्यू है, 0.072 डिवाइडेड बाय 0.08। तो यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर 0.072 डिवाइडेड बाय 0.08 इक्वल टू 0.9। इस तरह से 17 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 18। 0.0028 डिवाइडेड बाय 0.7, इसे हम लिख सकते हैं 0.0028 अपॉन 0.7। अब डिवाइजर 0.7 इसमें एक डेसिमल प्लेस है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो डिवाइजर डेसिमल से होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे डिवीजन हमारा और आसान हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं और डिवाइजर डिविडेंड दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस। तो यहां जो डेसिमल पॉइंट है राइट साइड में शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, यानी 0.028 और इसके आगे दो जीरो है तो यहां पे एक जीरो रख सकते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 0.028 के पहले, यहां पर जीरो के पहले आ जाएगा। और डिवाइजर की बात करें तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डिवाइड करके देखते हैं, 0.028 7 से डिवाइड करते हैं तो होल पार्ट पे 0 है तो 7 0 जा 0, 0 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद है तो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, ये 0 आएगा यहां पर, तो ये तो अभी भी डिवीजन नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 प्लेस करते हैं और 2 लेके आते हैं। इसको अलग तरीके से कर रहा हूं, आप एक ही स्टेप में या तो चाहे तो एक ही डिजिट ऊपर से नीचे लेके आए, या एक से ज्यादा डिजिट लानी है तो हर डिजिट के लिए आप 0 प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 लेके आ रहे हैं, फिर भी 7 ग्रेटर देन 2 है तो एक 0 और लगा देते हैं और फिर से एक डिजिट ऊपर से लेके आते हैं, ये 8 है। 7 4 जा 28, यहां पर 0 आ गया। देखिए हर एक डिजिट के लिए यहां पर हमने 0 प्लेस कर दिया। अगर आप चाहें तो जैसे पहले करते आ रहे थे कि एक बार में एक ही डिजिट लाते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं आप। यहां पर मैं एक साथ 3 डिजिट लेके आया हूं, 0 लेके आया काम तो डिवीजन नहीं हो पाया तो पॉइंट तो एक 0 प्लेस किया, 2 लेके आया, फिर भी ये डिजिट जो नंबर फॉर्म हो रहा है छोटा है तो हमने क्या किया 8 और लेके आया, 0 प्लेस किया। आप चाहे तो अलग अलग भी करके लिख सकते थे। तो यहां पर जो वैल्यू आई है 0.004 एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, 0.028 अपॉन 7 की वैल्यू है, पर वाकई में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था, 0.0028 डिवाइडेड बाय 0.7। तो हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे इसको, देयरफॉर 0.0028 डिवाइडेड बाय 0.7 इक्वल टू क्या होगा, 0.004। ये इसका आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 0.0102 डिवाइडेड बाय 1.7, इसको हम लिख सकते हैं 0.0102 अपॉन 1.7। अब डिवाइजर डेसिमल में है, इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, क्योंकि इसमें एक ही डेसिमल प्लेस दिया हुआ है। तो डिवाइजर डिविडेंड दोनों में ही 10 का मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं, तो 0.0102 अपॉन 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 10। 10 का मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट यहां से आके राइट में 1 प्लेस यानी 0 के और आगे आ जाएगा, मतलब 0.102 बनेगा यहां पर, तो 0.102। अब इसके आगे 2 जीरो बचेंगे तो 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं, आप 1 जीरो लिख लीजिए और ये 17 बन गया है। अब 17 से डिवाइड करेंगे 0.102 को और जो आएगा वो वैल्यू यहां पर लिखेंगे हम लोग।
अब यहां पे होल पार्ट जीरो है, तो 17 का किसी से मल्टीप्लाई करें जिससे इससे बड़ी वैल्यू ना आए, तो यानी जीरो से मल्टीप्लाई करना, 17 जीरो जा जीरो, पे जीरो आया। अब एक डिजिट डिविडेंड से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे, तो ये डेसिमल पॉइंट की बात है तो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और 1 लेके आते हैं। अब 17 इज ग्रेटर देन 1, तो या तो 0 और लेके आए, तो 0 लेके आते हैं और इसके लिए 0 प्लेस करते हैं। अब ये 10 हो गया, 10 भी क्या है, स्मॉलर देन 17 है, तो अब 2 लेके आते हैं, उसके लिए 0 प्लेस करना पड़ेगा। अब 17 और 102 बना है, तो हमें मालूम है 17 6 102 होता है, और 102 में 102 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आएगा, तो यहां वैल्यू मिल गई है हमें 0.006, जो कि वास्तव में किसकी वैल्यू, एक्चुअली में वैल्यू इसकी है 0.0102 डिवाइडेड बाय 1.7 इक्वल टू 0.006। अगर इस तरह में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, तो आप हर स्टेप के लिए अलग अलग कर सकते हैं। अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैं अलग अलग हर एक स्टेप पे एक ही डिजिट ऊपर से नीचे लाऊंगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, गिवन दैट 91.7 आर डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 7.06, फाइंड द वैल्यू ऑफ 917.8 डिवाइडेड बाय 0.13, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 91.78 डिवाइडेड बाय 1.3। तो डिवीजन नहीं करना, इसी रिजल्ट से हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 91.78 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 7.06 दिया हुआ है, गिवन दैट है, इसको हम लिख सकते हैं 91.78 अपॉन 13 इक्वल टू क्या दिया है, 7.06। हमें फाइंड करना है 917.8 डिवाइडेड बाय 0.13, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 917.8 अपॉन 0.13। अब यहां पे हमें जो वैल्यू मालूम है वो कौन से डिनोमिनेटर के लिए है, 13 होल नंबर में, और यहां पर डेसिमल पॉइंट के साथ है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे भी हम होल नंबर बना लेते हैं। तो इस पर क्या करेंगे, 3 डिवाइजर को होल नंबर बनाने के लिए यहां पर चूंकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां क्या बन जाएगा, 917.8 जीरो अपॉन 13, ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब क्या करेंगे,
अब यहां अगर हम डेसिमल पॉइंट चाह रहे हैं 91 के बाद, तो 91.780 और इसके साथ अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो सेम चीज आ जाएगी। ये जो वैल्यू हमें मिली है 91,780, तो अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो 91.780 मल्टीप्लाइड बाय 1000 की वैल्यू भी यही होगी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 91.78 लास्ट में जीरो रहता है डेसिमल में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मीनिंगलेस है। तो 91.78 अपॉन 13, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 7.06, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 7.06 इसकी वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 3 प्लेसेस खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 0, 6 और कुछ नहीं है, तो क्या यहां पे ये जीरो मानते हुए जीरो कर देंगे, तो डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस 2 प्लेस और तीसरा प्लेस कुछ नहीं रहता, नहीं है, दिख रहा है, तो जीरो मान लेते हैं। तो जीरो के आगे डेसिमल पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी कि हमें जो मिलने वाला है वो क्या है 7060, ये इसका आंसर है। इसे दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा दिया है इसमें फाइंड करने के लिए, वो दिया हुआ है 91.78 अपॉन 1.3 डिवाइडेड बाय 1.3, तो इसको हम लिख सकते हैं 91.78 अपॉन 1.3। अब डिवाइजर में हमें चाहिए होल नंबर, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में, तो 10 का मल्टीप्लाई किया और 10 का मल्टीप्लाई यहां भी किया, तो 91.78 मल्टीप्लाइड बाय 10 और इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 13। डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 91.78 अपॉन 13 किसकी वैल्यू क्या है 7.06, ये मल्टीप्लाई अभी भी बचा हुआ है 10 का, अभी हमने किया नहीं है न्यूमरेटर में, तो ये 10 का 10 रखा और जब इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 1 प्लेस यानी 0 के और आगे इधर 6 के पहले शिफ्ट हो जाएगा 70.6, ये इसका आंसर है। बिना डिविजन किए इस वैल्यू से हमें इस तरह से ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स 168.84 डिवाइडेड बाय 14। अब देखिए जो डिवाइजर है उसका डेसिमल पॉइंट राइट में 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है, यानी कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ, तो डिविडेंड में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 क्या बन जाएगा 140। 32.87 डिवाइडेड बाय 1.9 तो 3.287। यहां हम क्या देख रहे हैं, डिवाइजर और डिविडेंड, तो यहां डिविडेंड में डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो डिवाइजर में भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट होगा, यानी कि 1 के पहले आ जाएगा डेसिमल पॉइंट और यह बनेगा 0.19। इसी तरह सी में देखते हैं 3.288 डिवाइडेड बाय 60, तो यहां हम देख रहे हैं कि डिवाइजर 60 था, अब क्या हो गया डिवाइजर 5 आ गया, यानी 12 टाइम्स वो कम हो गया, तो इसको भी 12 टाइम कम करेंगे यानी 12 से डिवाइड करेंगे, जैसे 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, ऐसे 3.288 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.274 आएगा, इसी को यहां फिल करेंगे। अब 36 डिवाइडेड बाय 150 को देखिएगा, ये किसके इक्वल हो गया 0.036, यानी कि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, 6, 3 और 0 के पहले लगा है, तो यहां पर भी 3 प्लेस के पहले लगेगा यानी 0.51 के पहले, तो 0.150 बनेगा, तो 0.150 हम लिखते नहीं, हम क्या लिखते हैं लास्ट में जीरो लिखने का, डेसिमल प्लेसेस में लास्ट में जीरो नहीं लिखा जाता है,
तो हम क्या लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, यहां पर 0.15, 0.15। इस तरह से एक्सरसाइज 48 कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 49 सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी बताया गया उसको रिवाइज करें और अपना ध्यान रखें।